फैमिली के साथ होते हैं ना अगर, तो सच में यार हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फिर बच्चे बन जाते हैं, फिर लगता ही नहीं है कि हम लोग इतने बड़े भी हो गए हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पूजा है रुद्राभिषेक, तो उसी की तैयारी में। और आज मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, वैसे मैं जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि आज पूजा है तो थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा। और अभी मैं जाऊँगी, प्रसाद वगैरह बनवाना है, मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करना पड़ेगा। और आज मेरी पूरी फैमिली होगी तो मैं आप लोग को सभी से मिलवाऊँगी भी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद पूजा में। गाइस, पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और गाइस, ये जो भी ये सब बना है आप लोग वीडियो में देख रहे हैं वो सब चीज़ पंडित जी ने बनाया, और शंकर जी तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे जब उन्होंने बनाया, और इतने अच्छे से उसे डेकोरेट किया था ना कि दिल खुश हो गया था देख के शंकर जी को। और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है। और गाइस, ये वीडियो ना सिर्फ मैं अपने मेमोरी के लिए डाल रही हूँ कि जब भी मेरा मन करे मैं देख सकती हूँ। और आई थिंक ये मेरे यहाँ सेकेंड टाइम पूजा हो रही है। और गाइस, इस वीडियो को आप लोग देखिए। और गाइस, आप लोग मेरी फैमिली को तो जानते ही हैं, और ये जो बैठे हैं वो मेरे भैया हैं दोनों, और ये जो मेरे बगल में बैठे हैं वो हमारे बड़े पापा जी के लड़के हैं। और मुझे भी जानते हैं, मेरी मम्मी पापा को भी जानते हैं, और इधर जो बैठा है वो भाई है। और गाइस, ये जो टी शर्ट में है वो हमारे चाचा जी का लड़का है, और जो मम्मी के बगल में बैठी हुई हैं वो हमारी बड़ी मम्मी थी, और बगल में जो बैठी थी एक लोग वो भाभी थी, और ये जो येलो टॉप में बैठी थी वो मेरी मामा जी की लड़की है, मेरी बड़ी बहन है। और ये जो पापा जी के बगल में बैठी हैं वो मेरी कजिन सिस्टर हैं। और गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने बहुत ही छोटी बनाई है। और गाइस, जो मेरे पापा जी के बगल में बैठी हैं वो बुआ हैं और उनका बेटा है। और गाइस, जो पापा जी ये चढ़ा रहे हैं, और ये ना मनोकामना पत्र है,
अगर ये आप लोग चढ़ाते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी होती है, तो ऐसा बोलते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है। और बस हवन हो गया, फिर आरती हो रही थी, आप सभी आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे मैं सो के उठी हूँ, फेस समझ में आ रहा होगा। गाइस मैं कल सो गई थी और काफ़ी थक गई थी और मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर। मैं पता नहीं वॉइस क्यों नहीं इसमें आई, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। और मैं तैयार हो चुकी थी, गंगा जी मुझे नेक्स्ट डे जाना था। एंड गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्यार दे रहे हैं और उसमें 10K फॉलोअर्स हो गए मेरे सिर्फ 15 दिन में ही। सच में थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और मुझे ये भी पता है आप मुझे मेरे ये ब्लॉग चैनल में भी मुझे उतना ही प्यार देंगे। गाइस अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए यार फॉलो कर लीजिए, और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे जो भी चैनल्स हैं वो भी, उसके भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग पहुँच गए ओम घाट और यहाँ हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, झूला वूला झूला और फिर वहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, काफ़ी लोग थे, फैमिली के लोग भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती हुई। और गंगा स्नान करने में तो सबसे ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने। इंस्टा की वीडियो भी हम लोगों ने वहाँ पे बनाई, और अगर आप लोग को देखना है तो इंस्टा में मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे देख सकते हैं मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ रहती हैं। एंड वहाँ पे हम लोगों ने पूजा की और आराम से घर चले आए। एंड गाइस ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना।